दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, एक तो मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स में से कुछ क्या होंगे, मेटल्स होंगे और कुछ क्या, और जो बाकी बचे होंगे, बचे हुए होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो वही लिखा है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए एलिमेंट्स की, तो वो दो ग्रुप्स में होते हैं, एक तो मेटल होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटल्स क्या होते हैं। देखो, मेटल्स क्या होते हैं, मेटेरियल्स विच सो द प्रॉपर्टी ऑफ बींग हार्ड यानी कि कठोर होते हैं, शाइनी यानी कि चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा जो भी ज्वेलरीज बनती है, जो भी जेवरात बनते हैं, वो सब किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। मेलेबल यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल को गलाकर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल यानी कि हम उसको मोड़ सकते हैं मेटल्स को, ATC आर टर्म एज मेटल्स। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या होते हैं, चमकदार भी होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी वही है, फर्स्ट क्या है, मेलेबिलिटी। तो देखिए, मेलेबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बिटन इनटू थिन शीट इज नोन एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल को गला करके किसी थिन शीट यानी कि ये पेपर है जैसे, इस पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इन टू द वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो, डक्टाइल यानी कि हम मेटल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस या कि पिघलाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, वायर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में जो ये वायर्स होती हैं, ये भी इनके अंदर सब क्या होता है, कॉपर का मेटल होता है, तो वो भी एक टाइप का मेटल ही है। मेटल को हमने क्या कर रखा है, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, तीसरा आता है सोनोरस। देखो, मेटल सोनोरस यानी कि हम मेटल को अगर हम बजाते हैं, स्कूल में बेल देखिए, अगर हम मेटल को बीट करते हैं तो उससे क्या आती है, आवाज़ आती है, इसीलिए उसकी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सोनोरस। देखो तो क्या लिखा है, द मेटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। ठीक है, विच स्ट्रक हार्ड एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, स्कूल में जैसे मैंने बात की, अभी बेल देखी होगी आपने, स्कूल बेल बजाते हैं, उस पर अगर बीट करते हैं हम तो कितनी जोर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो भी किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, लस्ट्रस। मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ये क्या होते हैं, शाइनी। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। आपने देखा होगा ज्वेलरीज जो बनती है वो सारी मेटल से ही बनती है, मेटल से ज्वेलरीज बनती है, तो ज्वेलरीज क्या होती है, चमकदार होती है। तो देखो यही लिखा है, इट रिफर्स टू द शाइनी कोटिंग और कवरिंग प्रोसेस्ड बाय वेरियस मेटल्स। ठीक है, क्या लिखा है, शाइनी यानी कि चमकदार कोटिंग, कोटिंग यानी कि बाहर से चमकदार दिखते हैं। ठीक है, मेटल्स, इट मींस दैट मेटल्स एंड इट्स सरफेस हैव लाइट रिफ्लेक्टिव क्वांटिटीज। ठीक है, मेटल्स पे क्या होती है, अगर आप मेटल कोई भी शाइनी मेटल ले लो, जैसे जैसे आप टिन की एक शीट ले लो, इस पर अगर लाइट मारोगे तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मेटेरियल्स विच आर हार्ड यानी कि कठोर, लस्ट्रस चमकदार, डक्टाइल यानी कि मोड़ सकते हैं, मेलेबल यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स को आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, आपके घर में जो ये कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, ये बाहर से तो प्लास्टिक का वैक्स लगा होता है लेकिन अंदर क्या होती है, कॉपर की वायर्स होती हैं, तो वो वायर्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। और हीट कैसे कंडक्ट करती है, जैसे आपने कभी किचन में देखा होगा, कढ़ाई रखते हो आप सब्जी बनाने के लिए, आग तो नीचे रहती है लेकिन क्या हो जाए, जहाँ पर से आप पकड़ते हो वो भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, कंडक्ट हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तभी तो वो गर्म रहता है। ठीक है,
अब आते हैं हम नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स सिंपल इसके उल्टा हो जाता है, ठीक है। मेटेरियल्स विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, जो हार्ड नहीं होते हैं, लस्ट्रस, चमकदार, तो नॉन मेटल। लकड़ी देखिए आपने, चमकदार होती है? नहीं होती है। डक्टिलिटी, लकड़ी को मोड़ भी नहीं सकते, टूट जाएगी। मैलेबिलिटी, गला भी नहीं सकते। और सोनरस, आवाज़ भी नहीं आती लकड़ी पे मारने से, ठीक है। एंड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होते हैं नॉन मेटल्स? लकड़ी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो इसमें आता है हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जनरली व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल्स को हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe क्या है? आयरन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाती है? Fe2O3, ठीक है। ये क्या है? मेटल है, ये ऑक्सीजन है, इसीलिए ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है। आयरन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और वाटर भी था तो इसमें क्या बनेगा? Fe2O3, ठीक है। जिसमें क्या है? Fe क्या है? मेटल है, O3 क्या है? ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। और फॉर नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो भी क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होते हैं? जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं। जैसे एस क्या है? सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और SO2 को अगर हम H2O के साथ, वाटर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H2O से SO3 बना देता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड फॉर्म हो गया ना, तो इसीलिए मेटल, नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं? एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। कुछ मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर कुछ बहुत ही अनवांटेड चीज फॉर्म करते हैं। जैसे देखो, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम को क्या करते हैं हम? केरोसिन, यानी कि केरोसिन मिट्टी के तेल में क्या करते हैं? कैप्ट रखते हैं, अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। देखो, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है। ये क्या करता है? जल्दी वो क्या करता है? एयर के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है, ठीक है, फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखो, नॉन मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स क्या है? ज़्यादातर नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट देयर आर सम नॉन मेटल विच आर क्वाइट रिएक्टिव। लेकिन कुछ मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो डेंजरस हो सकते हैं, इसीलिए उनको क्या करा जाता है? वाटर में कैप्ट किया जाता है ताकि वो फायर को कैच ना करे, क्योंकि वो एक्सप्लोजन टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, देखो लिखा हुआ है ना, ये क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं और डेंजरस, नेचर में डेंजरस साबित हो सकते हैं। देखिए, जैसे रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, फॉर मेटल्स। मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। मेटल को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं, कोई भी एसिड हो चाहे, तो वो क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, वो भी क्या है? पॉप साउंड में, ठीक है। पॉप साउंड कुछ एक साउंड से होते हैं, पॉप साउंड आपको पता होगा, जैसे बबल फटता है तो पॉप साउंड आती है ना, तो वैसी साउंड, ठीक है। लेकिन इनमें से एक मेटल ऐसा है कॉपर, जो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करता है पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। फॉर नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। देखो, मेटल, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। अब रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं मेटल। अगर एसिड के साथ भी रिएक्ट करें फिर भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। फॉर नॉन मेटल, जनरली रिएक्शंस नॉन मेटल्स
जनरली रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अगर आप नॉन मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कुछ सॉल्ट टाइप, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव यानी कि मोर पावरफुल मेटल होगा, वो लेस पावरफुल मेटल को क्या कर देगा, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा। जैसे यहाँ पर Fe को CuSO4 के साथ हमने रिएक्ट किया, तो Fe क्या है, ज़्यादा पावरफुल है Cu से, इसीलिए Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा बाहर और खुद उसकी जगह ले लेगा। पहले CuSO4 था, अब FeSO4 हो गया, क्योंकि Cu की जगह किसने ले ली, Fe ने, और Fe ने क्या कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल आते हैं हम, FeSO4 को अगर हम Cu के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए FeSO4 Cu के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि Cu में इतनी पावर नहीं है कि ये Fe को डिस्प्लेस कर सके इसकी पोजीशन से, ठीक है। तो इसीलिए नो रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कांट डिस्प्लेस आयरन, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दी है आपको, ठीक है, कौन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। जैसे सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटल्स कौन, मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, ठीक है। ये देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये कम सबसे पावरफुल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है जिंक, फिर है आयरन है, फिर उसके बाद लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर तो बहुत नीचे है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, फिर Hg मरकरी आता है, फिर Ag सिल्वर आता है, फिर Au गोल्ड आता है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है, देखो ये क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव है, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है।